हेलो फ्रेंड्स, दोबारा से हम आ गए हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ जो कि बहुत ही हेल्दी है और यूज़फुल है। तो वेलकम टू उर्मीज़ किचन। और आज की हमारी एक रेसिपी है ये दूध गोंद दलिया। देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। ये शुगर लिया है 1 बड़ी कटोरी मैंने, और साथ में कुछ कटे बादाम हैं, आप ड्राई फ्रूट्स कितने भी लीजिए। गोंद लिया है 1/3 कप, 1/3 कप ही दलिया लिया है, और 1/3 कप ही मैंने ये घी लिया है। और ये दूध ले लेंगे आप कोई भी अच्छे ब्रांड का, 1 किलो दूध। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पैन चढ़ाया है गैस के ऊपर, और इसमें थोड़ा घी डालेंगे जो हमने अपना 1/3 कप घी लिया है। इसे अच्छे से तो इसमें मैंने घी डाल दिया है, और अच्छे से मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें सबसे पहले हमारा जो गोंद है उसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। घी मेरा गर्म हो रहा है, ये मैं गोंद थोड़ा सा फ्राई करके देख रही हूँ। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है, कढ़ाई मेरी बीच में से उठी हुई है तो इसलिए यहाँ पे ये ज़्यादा बर्निंग दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से मैं गोंद को तल लूँगी। आपको इस तरीके से सारा गोंद जो है वो फ्राई कर लेना है, बिल्कुल स्नैक की तरह हो जाता है गोंद। तो ये अच्छे से सारा गोंद मेरे को इस तरीके से इसमें अपना तल लेना है, और गोंद मैंने तल लिया है देखिए। अब इसी में दलिया भूनेंगे। दलिया आपको ये अच्छा सा ब्राउन हो जाए और भून जाए, इसमें से खुशबू आने लगे, तब तक आपको भूनना है। इसका कलर देखिए भूनते भूनते डार्क ब्राउन होने जा रहा है। और जैसे ही हमारा दलिया भुनेगा हम इसमें दूध डालेंगे ताकि थोड़ा सा ये हल्का सा पक सके। देखिए अभी थोड़ा डालेंगे, उसके बाद हम बाद में पूरा डालेंगे ताकि जो दलिया हमारा बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए। देखिए इसे कर तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक आप इसे पकने दें। देखिए अच्छा बॉईल आ रहा है इसमें, और जो गोंद हमने करा था उसको हम पीस लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से उसे कूट लिया है पीस को, और दलिए में दूध भी मेरा कम हो गया है। अब इसमें मैं और दूध डाल दूंगी जितना बचा हुआ दूध है, ताकि ये अब अच्छे से और बढ़िया से कुक हो जाए। ये देखिए इसमें पूरा दूध डाल देंगे हमारा, और इसे अच्छे से तकरीबन 5 से 7 मिनट या 8 मिनट तक इसे हम पकने देंगे, और उसके बाद हम इसमें गोंद डालेंगे। देखिए अच्छा उबाल आ गया है, और खूब बढ़िया इसको पकने देना है ताकि थिकनेस इसकी बढ़ती जाए। ये देखिए थोड़ा किनारा येलो इशारा, मैं इसमें ये गोंद जो मैंने पीस के रखा हुआ है वो डाल दूंगी। ये कुछ कुछ जो मैंने मेरी लास्ट रेसिपी थी लेचा उसकी तरह है, पर इसमें दलिया डालने से थोड़ा ये है, देखिए इसमें दूध फटा फटा दिखाई दे रहा है, तो ये फटता नहीं, इससे बहुत ही टेस्ट आता है। और चीनी जो है मैदे से नहीं डालेंगे इसका, इसको कैरामलाइज करेंगे, चीनी को कैरामलाइज करके डालेंगे ताकि थोड़े जमने जैसी कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए। तो इस तरीके से चीनी को अपने देखिए कैरामलाइज होना शुरू हो गई है। पानी नहीं डालना है आपको इसमें, इसी तरीके से आपको अच्छे से मिक्सअप कर देना है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसका, अच्छे से कैरामलाइज बिल्कुल हो रही है, लोइश होती जा रही है। और अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, तब आपको चीनी को कैरामलाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जैसे ही इसका एक लिक्विड बन जाता है कैरामलाइज होते, तब हम इसको हमारा जो हमने दूध और दलिए का मिक्सचर बनाया है उसके अंदर इसे डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
कैरम ये तैयार हो गया, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरीके से, और हिलाते रहना लगातार आपको, क्योंकि जो हमारी चीनी है उसकी वो गांठें ना बनने पाए। ये देखिए भी इसे अच्छे से चलाएंगे और इस तरीके से चला के इसको काफ़ी देर तक पकाना है, तब जब तक कि ये इसकी जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक ना हो जाए। इसे अच्छे से उबल मिक्स करके इसे अच्छा बॉईल होने देंगे। बीच बीच में आप इसे हिलाते रहें कोई लम्स ना बने शुगर का आपका। ये देखिए थोड़ा इसमें थिकनेस आ गई है, थोड़ी देर और पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम जो ड्राई फ्रूट्स है वो उनके अंदर मिक्स कर देंगे और कुछ हम ऊपर से सजाने के लिए रखेंगे। तो इसको थोड़ी देर छोड़ दिया था मैंने, ये देखिए इसका थोड़ा डार्क गाढ़ा हो गया है, और प्लेट को हम देसी घी से ग्रीस करके और फिर ये सारा मिक्सचर इसमें डाल के सेट होने देंगे। देखिए मैं इसे सेट करने रख गए हैं, फ्रिज में रखे हैं, बाहर रख दें, ये देखिए इस तरीके से। और उस पर ड्राई फ्रूट्स लगा दिए मैंने, और हमारा जो दूध गोंद दलिया तैयार है। तो खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।